नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर विक्रांत पुरिया ने वीडियो जारी कर कहा है कि प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी जीत है। मैंने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को चेताया था कि सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का विचार पूर्णता युवाओं के भविष्य को अंधकार में झोंकने जैसा है। सरकार इसका विचार छोड़ दे, अन्यथा सड़क से सदन तक विरोध कर सामना करने तैयार रहे। 13 फरवरी के आंदोलन में यह भी हमारी मांग थी कि सरकार इस प्रस्ताव को खारिज करे। आज वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर एक संवेदनशील निर्णय लिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। यह हमारी और प्रदेश के युवाओं की संयुक्त जीत है। भोपाल से न्यूज 69 के आदिल खान की रिपोर्ट। आज ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरह से सरकार रिटायरमेंट की उम्र पहले 62 से बढ़ाकर 65 साल करने जा रही थी, ये 5 लाख जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होने वाले थे उनकी जगह 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला था और 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं जो लगातार हमने संघर्ष करा है, पहले 8 तारीख को सदन में हमने जबरदस्त आवाज इसकी उठाई थी और 13 तारीख को भोपाल की सड़कों पर प्रदेशव्यापी आंदोलन भी करा था, और आज सरकार ने इसको स्वीकार करा है कि जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 से बढ़ाकर 65 साल नहीं करी जाएगी। ये कहीं ना कहीं हमारी और प्रदेश के युवाओं की संयुक्त रूप से एक बड़ी जीत है, और इसी तरह से आगे भी हम प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक जारी रखेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।